नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलो तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आज की खबर से करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे के रूप में कब मनाया जाता है। तो हर साल जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में, यानी आज ही के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ में लोगों को पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूक करना है, इसके लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ये तो हुई 24 जनवरी की बात, आपके दोस्तों ये तो हुई 25 जनवरी की बात। तो इसके अलावा 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि 2019 के राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या था, उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण 2019 के जो राष्ट्रीय बालिका दिवस था इसका विषय था। इसके अलावा हम लोग और कौन से दिन के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी को, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका का प्रचार करना है। इसके अलावा जब भी मंथ ऑफ जनवरी की बात आती है मैं हमेशा आपको जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट जो डेट है इसके बारे में रिवाइज करवाता हूं। अगर आप लोगों को याद हो गया होगा तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए, नहीं हुआ तो फिर से कीजिए, जरूर आपको याद हो जाएगा। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं, 6 जनवरी को युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में, 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में, 25 जनवरी यानी आज के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में, जबकि 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी शहीदी दिवस, इसके अलावा 31 जनवरी को हम लोग विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी मंथ ऑफ जनवरी आपकी कम्प्लीट हो जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आपातकालीन, माफ कीजिएगा दोस्तों, अल्पकालीन वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में किसे चुना गया है, अल्पकालीन वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में किसे चुना गया, हाल ही में पीयूष गोयल जी को चुना गया है। आपको पता हो कि इसके पहले जो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्ट्री और इंटरिम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स के रूप में पीयूष गोयल जी को चुना गया है, पर इसके पहले ये अरुण जेटली जी के पास थे। पीयूष गोयल को अरुण जेटली की अस्वस्थता के दौरान वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के अल्पकालीन मंत्री के रूप में नामित किया गया है। पीयूष गोयल मौजूदा कौन से मंत्रालय संभालते हैं दोस्तों, कोयला और रेलवे मंत्रालय देखते हैं। पीयूष गोयल को इससे पहले भी मई 2018 को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अगला प्रश्न कि हाल ही में इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग संयुक्त अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। तो ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, पुणे में आयोजित किया जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है IAFTX के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, और ये पुणे में होने वाली है, यानी कि ज्वाइंट एक्सरसाइज नेम्ड इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग विल बी हेल्ड इन पुणे। एंड इस अभ्यास में नाइजीरिया, मिस्र, घाना, केनिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, सूडान, तंजानिया, इसके अलावा नामीबिया, मोजम्बिक और युगांडा जैसे देश भाग लेने वाले हैं। अब आखिर इसे क्यों आयोजित किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी अभियानों, मानवीय जो रवाना जो कार्रवाई है, संयुक्त शांति अभियान को प्रशिक्षित करना और उसे बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी 2019 को किसे सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया, तो सितांशु यशचंद्र को सम्मानित किया गया 2017 के सरस्वती सम्मान से, कब, 22 जनवरी 2019 को, और ये जो है सितांशु यशचंद्र जी हैं। किस भाषा के कवि हैं, ये तो एक गुजराती भाषा के कवि हैं। अब आखिर में इन्हें सम्मानित किया क्यों गया, उन्हें गुजराती में वखर नामक कविता के संग्रह के लिए सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष संविधान की अनुसूची 8 में उल्लेखित जो किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक की जो उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, और इस बार का सम्मान दिया गया किसे, 2017 का दिया गया सितांशु यशचंद्र जी को।
अगला प्रश्न है कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव सूचकांक 2019 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो भारत जो है 2019 के ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव सूचकांक में भारत 80वें पोजीशन पे रहा है। इसके अलावा ये जो है NSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा 22 जनवरी 2019 को टाटा कम्युनिकेशन और जो एकडा ग्रुप की साझेदारी द्वारा ये प्रकाशित की गई, कौन सी, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव सूचकांक 2019। अब जब भी कोई सूचकांक की बात आती है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भारत का स्थान कौन सा है, 80th। अब टॉप में कौन सा देश रहा है, तो टॉप में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे में नॉर्वे और पांचवें नंबर पे डेनमार्क रहा है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो कुल 68 जो है मापदंडों को देखते हुए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा के स्तर पर मापी जाती है और उसी के अनुसार से ये रैंकिंग तय की जाती है और इसके अनुसार से 2019 में भारत 80वें पोजीशन पे रहा है। इसके अलावा जब बात आई है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स की, तो ये तो क्लियर होता है कि 2019 में भारत 80 पोजीशन पे रहा, पर 2018 में कितने पोजीशन पे रहा था, तो भारत 2018 में 81 पोजीशन पे रहा था। और इससे क्या मापा जाता है, इस सूचकांक के अंतर्गत जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है वो मापी जाती है, उस देश की क्षमता मापी जाती है। इसके अलावा कुल 125 देशों ने इसमें भाग लिया था, उसमें से भारत 80 पोजीशन पे रहा है। इसके अलावा इसकी थीम की अगर बात करें, इस बार का थीम क्या था, तो इस बार का थीम था उद्यमी जो प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। 2019 का थीम था ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएई के कितने भारतीय विस्तारकों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है विस्तारकों की। तो 23 जनवरी 2019 में कुल 3 विस्तारकों को सम्मानित किया गया यूएई के भारतीय, जिसको सम्मानित किया गया कौन सा, प्रवासी भारतीय सम्मान से। इसमें 3 जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, डेफिनेटली आपके मन में आएगा, इनका नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है। गिरीश पंत जी, सुरेश सिंह कंधारी जी हैं और डॉक्टर जुलेखा दाऊद को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मौजूद थे और प्रवासी भारतीय सम्मान एक जो अनिवासी भारतीय, यानी इसे NRI कहा जाता है या भारतीय मूल के व्यक्ति, इसे PIO कहा जाता है, द्वारा संचालित संस्था या संस्थान को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इसमें कुल 3 जो है यूएई जो भारतीय विस्तारकों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया इस बार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी वनडे की बात की जा रही है में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। तो सही उत्तर है हाल ही में मोहम्मद शमी हाल ही में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 56 एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लेने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा समय से पहले इरफान पठान ने 59 एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लेना का हासिल किया था गौरव, जबकि जाहिर खान ने 65 मैचों में यह आंकड़ा हासिल किया था। अजित अगरकर ने 67 मैचों में और जवागल श्रीकानाथ ने 68 मैचों में हासिल किया था, जबकि मोहम्मद शमी ने 56 एक दिवसीय 56 एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लेने का गौरव हासिल किया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव घोषित किया, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने यह घोषित किया है कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी जिसे PPHF के नाम से भी जाना जाता है, PPHF पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल को राजकीय फेस्टिवल के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। PPHF अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र जो है संरक्षण त्यौहार है और PPHF यानी कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पहली बार 16 से 18 जनवरी 2015 को आयोजित किया गया था और इस त्यौहार का उद्देश्य पक्के टाइगर रिजर्व जो है में हॉर्नबिल के संरक्षण में निवासी जो न्यासी जनजाति के जो निवासी हैं उसके द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचान दिलाना है और इसकी शुरुआत हुई है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खंडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है BD मिश्रा जी, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और मैकमोहन लाइन जो है इसी अरुणाचल प्रदेश के पास से होकर गुजरती है। इसके अलावा नामदापाड़ा जो नेशनल पार्क है और मोलिंग नेशनल पार्क इसी अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाघों की आबादी बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी एसटीपीएफ के नाम से जाना जाता है बनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया है कि बाघों के बचाव के लिए वो स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाएगी। 22 जनवरी 2019 को तेलंगाना सरकार ने राज्य में बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन का निर्णय लिया। 112 सदस्यीय सशस्त्र एसटीएसएफ की जो नेतृत्व है वो सहायक वन संरक्षक द्वारा किया जाएगी, ताकि जो अमराबाद है और कवाल टाइगर रिजर्व है उनमें बाघों की आबादी की रक्षा की जा सके। इसमें जो पैसे की बात आई है, यानी कि टोटल जगह लागत आएगी जिसके प्रोडक्शन फोर्स के लिए जो सैलरी या बाकी चीजों के लिए वो कौन बेयर करेगा, तो इसके लागत में कुल 40:60 का रेशियो रहेगा, यानी कि 40:60 इसमें से 40% जो राज्य सरकार देगी जबकि 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा तेलंगाना में तीन प्रमुख नेशनल पार्क है, एक तो है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरी जो है वो जो महावीर हरिना वनस्थली जो नेशनल पार्क है, और तीसरी जो है वो मुर्गा भी नेशनल पार्क है। तीन नेशनल पार्क है तेलंगाना में, तो इन नेशनल पार्क के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा तेलंगाना में रिसेंटली इलेक्शन हुई और फिर से के चंद्रबाबू नायडू जो है के चंद्रशेखर राव जी मुख्यमंत्री पद संभाले हैं। इसके अलावा ईएसएल नरसिम्हन जी राज्यपाल है और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि जिसे जी स्टेट के नाम से जाना जाता है कि राष्ट्रीय पीठ कहाँ स्थित होगी, इसकी घोषणा की गई। तो हाल ही में घोषणा की गई कि जी स्टेट की जो राष्ट्रीय पीठ है वो नई दिल्ली में होगी। नेशनल बेंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात की जा रही है, उसमें ट्रिब्यूनल जो है वो कहाँ होगी, नई दिल्ली में होगी। 23 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माल और सेवा कर की अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ की गठन की मंजूरी दी। अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में होगी और जीएसटेट की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और इसमें एक तकनीकी सदस्य जो है वो केंद्र होगा और एक तकनीकी सदस्य जो है वो राज्य की तरफ से होगा। अगला प्रश्न है कि लांस नायक नजीर अहमद वानी को 2019 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में लांस नायक नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक नजीर अहमद अशोक चक्र मिला है इन्हें, वे एक आतंकवादी थे इसके पहले, लेकिन बाद में 2004 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए। 2018 के नवंबर में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी, वे मारे गए थे और वे शहीद हो गए थे हम लोग कह सकते हैं, और उन्हें सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था। आपको बता दूं कि अशोक चक्र युद्ध के मैदान में वीरता साहसी कार्यों और आत्म बलिदान के लिए शांति का सबसे ऊंचा जो है सेक्शन मंडल कहा जाता है। अशोक चक्र से इन्हें नवाजा गया जो भारत के शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र के बाद कृति चक्र और शौर्य चक्र का नंबर आता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा मंत्रालय 26 से 31 जनवरी 2019 तक दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजन करेगा? संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या गृह मंत्रालय? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।